जहरीली शराब ने पंजाब में तांडव मचा दिया है। पंजाब के 3 जिलों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि जहरीली शराब पीने से बुधवार की रात से तरन तारण जिले में 19, अमृतसर में 10 और बटाला में 9 लोगों की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घटना की मैजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए। बता दें कि अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी। अमृतसर के SSP ने बताया कि तारसिक्का थाना के प्रभारी विक्रमजीत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद विपक्षी पार्टी भी हमलावर है। दरअसल विपक्षी आप ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का इस्तीफा मांगा है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने की मांग की है। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मैंने अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारण में जहरीली शराब की मौतों की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। कमिश्नर जालंधर डिवीजन जांच करेंगे और संबंधित SSP और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में पुलिस ने अभी तक बलविंदर कौर नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के खिलाफ IPC की धारा 304 और आबकारी कानून की धारा 61/1/14 के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही क्षेत्र में नकली शराब बनाने वाले कारखानों की धरपकड़ और तलाशी अभियान के लिए निर्देश दिए गए हैं। दीपक कुमार, पंजाब केसरी, स्टूडियो दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।